रुख से बदली दुनिया की सोच, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले पूरा विश्व कर रहा हमारी तारीफ। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद पहली बार आज जनसभा को संबोधित करे कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, हो सकता है बड़ा ऐलान। रामलीला मैदान पर आज कांग्रेस का हल्ला बोल, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बरसेंगे राहुल गांधी। गोवा पुलिस की जांच पर फोगाट फैमिली ने उठाए सवाल, कहा राजनीतिक दबाव में कर रही काम। रविंद्र जडेजा पर इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ का बड़ा बयान, कहा अभी मैं उन्हें T20 वर्ल्ड कप 2022 से बाहर नहीं मान रहा। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक आज लखीमपुर खीरी दौरे पर रहेंगे, जहां डिप्टी सीएम दोपहर 2:45 पर लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे और जन कल्याणकारी योजनाओं व विकास कार्यों की प्रगति का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। साथ ही भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ भी मीटिंग करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरज हमसे जुड़ेंगे। धीरज, आज लखीमपुर खीरी दौरा है डिप्टी सीएम का, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? डिप्टी सीएम बृजेश पाठक जी जो है वो 2:45 पर जिनका लखीमपुर आगमन होगा, उसके बाद में उनका स्वागत समारोह भी रखा गया। उसके बाद में जो कलेक्टर एक समीक्षा बैठक भी करेंगे अधिकारियों के साथ, जो भाजपा कार्यालय लखीमपुर खीरी में कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करेंगे और स्थलीय जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं भाजपा सरकार की, उनका स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज जो है लखीमपुर जनपद में एक कार्यकर्ताओं में एक जोश है, और वही अधिकारियों की अगर हम बात करें तो अधिकारी कहीं ना कहीं उनमें एक जो बिल्कुल डर का माहौल है कि कहाँ स्त्री निरीक्षण करेंगे, किन किन कार्यों का स्त्री निरीक्षण करेंगे। उसके बाद में जो कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करके समीक्षा बैठक भी करेंगे, जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका कहाँ तक असर, कहाँ तक जो पहुँचाई जा रही है जमीनी स्तर तक। उनके इस दौरे के दौरान कौन कौन लोग उनके साथ मौजूद रह सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल लखीमपुर की जिला प्रशासन तो मौजूद है, उसके बाद में जो लखीमपुर जनपद के विधानसभाओं के जो विधायक भी 8 विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे, सांसद भी रहेंगे और जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे, सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद। ये दौरा उनका कब तक चलेगा? उनका जो लखीमपुर आगमन है 2:45, उसके बाद में समीक्षा बैठक कार्यकर्ताओं से वार्तालाप के आज विश्राम भी लखीमपुर खीरी में करेंगे। सुबह करीब उनका लखीमपुर खीरी से जो है लखनऊ के लिए आगमन होगा। विकास कार्यों के निरीक्षण करने की बात कही है, क्या वहाँ की जनता को कुछ सौगात मिल सकता है? देखिए, जो प्रोटोकॉल जारी है उसके हिसाब से तो ऐसी कोई अभी जो सौगात है उनका कोई, लेकिन जो स्थलीय निरीक्षण है उसको लेकर जिला प्रशासन बिल्कुल चौकन्ना है, और जो स्थलीय निरीक्षण कहाँ किया जाएगा इस बात की अभी तक सोशल मीडिया या मीडिया कर्मियों को जानकारी नहीं दी गई है। धन्यवाद धीरज तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर बिजनौर पहुंचे। सीएम ने जिले से जुड़ी 335 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा मालन नदी के तट पर 5,000 वृक्षों का पौधारोपण भी किया, साथ ही उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले यूपी में दंगे होते थे, अब 5.5 साल से कोई भी दंगा नहीं हुआ है। आज देश के अंदर कानून व्यवस्था में एक नई मिसाल बन रहा है। कभी उत्तर प्रदेश दंगों के लिए जाना जाता था, रोज दंगा होता था, विकासवादी होता था, कोई प्रदेश में आना नहीं चाहता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में विगत 5.5 वर्ष के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ। एनसीआरबी ने भी हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की,
में 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश बन चुका है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बन चुका है। लखनऊ में विकास प्राधिकरण की तरफ से लगातार अवैध संपत्तियों को लेकर बिल्डरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले अपार्टमेंट में निर्माण सामग्री को लेकर एलडीए ने 3 फर्म पर लाखों का जुर्माना लगाया था। साथ ही बिना किसी नक्शा पास किए बिल्डर ने 5 मंजिला अपार्टमेंट बनाकर करोड़ों रुपए कमाए थे। वहीं अब एलडीए की तरफ से अग्रसेन हाइट्स पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। सर, किस तरह से जो अग्रसेन हाइट है उसमें बगैर एलडीए की अनुमति के सर जो बिल्डर ने 90 फ्लैट्स बना दिए करोड़ों के, सर की क्या है प्रॉब्लम? नहीं, एलडीए से नक्शा उस समय पास हुआ था और अर्बन सीलिंग लैंड का इशू है कि उस समय अर्बन सीलिंग लैंड में हमारे सीलिंग अभिलेखों में वो दर्ज नहीं थी। बाद में जब परवाना आया उसके बाद दर्ज हुआ तो यह प्रकरण प्रकाश में आया। जैसे प्रकरण प्रकाश में आया उसके बाद से ही लगभग 1 साल से सुनवाई चल रही थी, तो अभी उनको सुनते हुए निर्णय लिया गया और मैप को रिवोक किया गया है। सर, एलडीए आगे की कार्रवाई क्या करेगा, जो कि 90 फ्लैट्स हैं वहाँ पर जो वहाँ रह रहे हैं लोग, सर उन्हें क्या आश्वासन दिया गया है? वहाँ रहने वालों के लिए हम लोग कोई बायोमीडिया निकालेंगे, विधिक परीक्षण कर रहे हैं। बेसिकली हमारा ये है कि अग्रसेन हाइट्स ने एलडीए को तथ्यों को छुपाते हुए काम किया, तो उनके साथ कैसे कंपेंसेशन या अपनी ज़मीन का वो निकालना है, उसके लिए रास्ता निकाला जाए। सर, डेवलपर और जो बिल्डर्स हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई है? उसका विधिक परीक्षण हम करा रहे हैं, संभवतः आगे बताएंगे। सर, जो अपार्टमेंट है उसको क्या सीज किया जाएगा या फिर तोड़ा जाएगा? नहीं, अभी इस संबंध में कोई ऐसी कार्रवाई, क्योंकि लोग रह रहे हैं वहाँ, तो उनके निवासियों के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण में लगातार भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं। कभी सृष्टि अपार्टमेंट से लेकर कभी चित्ताखेड़ा की बात आती है, तो कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण पे बड़े सवाल उठते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि बगैर एलडीए की अनुमति के बिल्डर ने नक्शा पास कराए बिना ही वहाँ पर 90 फ्लैट्स लगे। ये बात कर रहे हैं अग्रसेन अपार्टमेंट की, जो कि सीतापुर रोड मोहिबुल्लापुर में है, जहाँ पर 90 से अधिक फ्लैट्स बनाए गए और साथ ही कई करोड़ के फ्लैट्स भी बेचे गए। 5 मंजिला इस अपार्टमेंट में लोग रह भी रहे हैं और वहीं एलडीएबीसी का साफ साफ बयान आता है कि इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया गया है, सीलिंग की प्रक्रिया बहुत जल्द ही शुरू हो जाएगी। अब देखने वाली बात यही कि लगातार जो लखनऊ का सबसे मुख्य विभाग है एलडीए, उसमें भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात और सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या लखनऊ के जो एलडीएबीसी हैं इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरा मैन विजय के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के संभल में आने वाले समय में निकाय चुनाव होने हैं, जिसके चलते हयात नगर थाना क्षेत्र की उपनगरी सराय तरीन में बहुजन आंदोलन पार्टी के जिला कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वार्ड मेंबर चुनाव के लिए भावी प्रत्याशी घोषित किए गए। बहुजन आंदोलन पार्टी लगातार जमीनी स्तर पर खुद को मजबूती प्रदान करने में लगी हुई है, इसलिए पार्टी द्वारा सर्वप्रथम क्षेत्र के वार्ड मेंबर के लिए अपने प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। बता दें कि संभल से जिला अध्यक्ष लेखराज सैनी ने बताया है कि उनकी पार्टी ने सराय तरीन में 8 वार्ड मेंबर प्रत्याशी अब तक घोषित कर दिए हैं। आगामी नगर निगम चुनाव को देखते हुए आज ये बहुजन आंदोलन पार्टी की तरफ से कुछ प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं। अब तक कितने प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं? अब तक हमारे यहाँ मतलब कम से कम 7-8 प्रत्याशी घोषित हुए हैं। आज की डेट में ये 4 प्रत्याशी हमने घोषित करें। तो संभल के अलावा उपनगरी सराय तरीन के हैं आसपास? फिलहाल सराय तरीन के हैं हमारी उपनगरी सराय तरीन। कौन कौन से वार्ड में आपकी? ये हमारे साहब मोहम्मद शकील साहब हैं, वार्ड नंबर 37 से प्रत्याशी हैं जी। प्रतापगढ़ में चिकित्सा व्यवस्था का बुरा हाल है। जिले पीएससी एससीएससी डॉक्टर की बजाय वार्ड बॉय डॉक्टर की कुर्सी संभाल रहे हैं और मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। दरअसल डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर जाने की बजाय निजी प्रैक्टिस करते हैं, कोई मेडिकल स्टोर पर तो कोई निजी क्लिनिक खोलकर अन्य कार्य कर रहे हैं। वहीं अतिरिक्त पीएससी भटनी में डॉक्टर की कुर्सी पर बैठकर वार्ड बॉय द्वारा मरीजों का इलाज करते वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इस संबंध में मुझे कुछ लोगों द्वारा अवगत कराया गया और मैंने इस पर तत्काल कार्रवाई के लिए
आपने एक एडिशनल सीएमओ को अधिकृत किया था, एडिशनल सीएमओ वहां गए थे, उन्होंने उसकी जांच की है और रिपोर्ट जैसे ही सबमिट होगी इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। खबर संभल से है जहां प्रबंधक की मनमानी के चलते विद्यालय की छात्राओं को जमीन पर बैठाने पर मजबूर हैं, जिसके बाद विद्यालय की छात्राओं ने प्रबंधक समिति पर फीस वसूली और छात्राओं पर ध्यान न देने को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही छात्राओं ने विद्यालय में ही प्रबंधक के खिलाफ धरना प्रदर्शन का नारे लगाए, जिससे स्कूल में अफरा तफरी का माहौल हो गया तथा प्रबंधक का घेराव भी किया। बता दें कि हयात नगर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज का मामला है। कानपुर के बर्रा विश्व बैंक में गणेश महोत्सव में गंगा की सफाई की अपील की गई। क्लीन गंगा को लेकर कानपुर में जन अधिकार एसोसिएशन भारत के माध्यम से स्वच्छ कानपुर का संदेश दिया गया। अविरल घाट एक संकल्प स्वच्छ घाट को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महोत्सव के आयोजन सुरेश त्रिपाठी ने बताया कि पॉलिथीन प्लास्टिक के सामानों पर हम लोग बहिष्कार करते हैं, वहीं इस कार्यक्रम में एक संदेश ये स्वच्छ भारत अभियान को लेकर क्लीन कानपुर और ग्रीन कानपुर का जनता को संदेश दिया गया। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश जिला स्तर पर सबको हो चुका है कि देखा जाए कहीं ना कहीं गंगा को सफाई को लेकर के पूरी तरीके से सरकार सक्रिय है, पर वही देखा जाए कानपुर दक्षिण क्षेत्र के जो है वो जन अधिकार एसोसिएशन जो है उसके जो कार्यक्रम चला गंगा जी का वो गणेश महोत्सव उस महोत्सव में देखा जाए तो अपना कैमरा पर्सन हिमांशु श्रीवास्तव करना चाहूँगा दिखाएं कि किस तरीके से कानपुर नगर निगम जो है पूरी अपील जो है देखा जाए तो गंगा जी स्वच्छ करने के लिए पूरा अभियान जो है पूरा अभियान तहत जो है इस पंडाल में जो है लोगों को मैसेज दिया जा रहा है क्लीन कानपुर ग्रीन कानपुर, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो इस ये एक मैसेज है ये देखा जाए कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं इस कमेटी के उनका साफ कहना है कि पूरी तरीके से जो है कि ये जो क्लीन कानपुर ग्रीन कानपुर ये मैसेज जो है ये क्षेत्रीय लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया है, और उसको देखा जाए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हमारे साथ जो है जन अधिकार एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सुरेश त्रिपाठी हैं। सुरेश त्रिपाठी बताएंगे कि जो आज ये मैसेज दिया जा रहा है मैसेज किस तरह जा रहा है। सुरेश जी जी, आज मैसेज दिया जा रहा है किस तरीके से मैसेज क्लीन कानपुर का जो दिया जा रहा है आपके कार्यक्रम के माध्यम से? ये जन अधिकार एसोसिएशन के माध्यम से ये हमने आज पहल करी है। पहल ये करी कि गणेश जी के माध्यम से मैं जनता को आवाम को ये बताना चाहता हूँ, अवगत कराना चाहता हूँ कि ये हमने एक मुहिम चलाई है स्वच्छ गंगा अभियान की, और सबको जागरूक किया है कि सब लोग कूड़े को अपने कचरे कूड़ा वगैरह को कूड़े के गाड़ियों में डालें, नाले में न फेंकें, पॉलीथीन का दुरुपयोग न करें, झोले लेके चलें बाजार से लाएं। वो एक संदेश देने के लिए आज हमने नगर निगम के लोगों को बुला के यहाँ पे एक इवेंट कराया है। साफ साफ कार्यक्रम आयोजक सुरेश त्रिपाठी का साफ कहना है कि जो ये कार्यक्रम आयोजक कराया गया ये समाज को मैसेज देने के लिए कराया गया था, और इससे एक आगे चल के इस अभियान में बढ़ करके ये कमेटी जो है पूरा सहयोग करेगी। कैमरा मैन हिमांशु उपेंद्र थाना कानपुर। खबर गाजीपुर से है जहां यूपी के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश यादव ने विधायक अब्बास अंसारी की फरारी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार माफिया गुंडों अपराधियों को छोड़ने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि माफिया अपराधी गुंडों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। साथ ही मंत्री गिरीश यादव ने मदरसों की जांच और सत्यापन पर ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कॉलेजों स्कूलों मदरसों का नियमानुसार जांच सत्यापन होता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में किसी के साथ कोई मतभेद नहीं हो रहा। देखिए जो भी होगा विधिक कार्रवाई होगी, जो भी गुंडे माफिये बवाली वो माफिये लोग होंगे हमारी सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं, किसी को नहीं छोड़ने वाली, चाहे जो भी होगा चाहे कितना बड़े शक्तिशाली क्यों ना हो। योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार में कोई भी किसी गुंडा माफिया को संरक्षण नहीं दे पाएगा। खबर देवरिया से है जहां देवरिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कुख्यात अपराधी कमलेश प्रताप का मकान कुर्क कर दिया है। दरअसल कुख्यात अपराधी कमलेश प्रताप के ऊपर धोखाधड़ी हत्या फिरौती जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि तरकुलवा थाना क्षेत्र के ग्राम मुंडेरा का मामला है।
यूपी के कुशीनगर से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां स्कूल जा रही एक छात्रा पर अज्ञात बदमाश ने ब्लेड से हमला कर दिया। वहीं गले पर ब्लेड लगने से छात्रा अचेत होकर गली में ही गिर गई, जिसका फायदा उठाकर हमलावर फरार हो गए। इसके कुछ समय पश्चात गली के लड़की को होश आया, जिसके बाद वह गली से बाहर निकल सकी। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस और उसके परिजनों को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। स्कूल जा रहे थे तो एक लड़का तो मास्क पहना था और हेलमेट लगाया था, कह रहा आज तुम्हारा खैरियत नहीं, हम कहा तुम किसको कहे हो, तो चला गया है। तो आया तो आगे भैया के दोस्त से उनसे कहा कि देखिए एक लड़का है इधर ही से गया, इस तरह कह रहा था, तो तुरंत गए उसको ढूंढने। तो हम आए स्कूल में और उतर कर गली पड़ी जा रहे थे, अब सोचे गए स्कूल अपने, तो अभी गली में थे तब पीछे से आकर मार दिया, हम लेकर गिर गए साइकिल। उसके बाद बोल रहे थे तो गोली निकल नहीं पा रहा था, आज से कह रहे हैं कि कोई वहाँ पर था भी नहीं कि आकर पकड़े उसको, तो उसके बाद उठ नहीं पा रहे थे तो किस तरह उठ कर गए तो देख रहे हैं चले गए तो वहाँ पर थे। खबर लखीमपुर के मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र से है, जहां एक गांव में प्रेमिका से मिलने गए युवक को लड़की के परिवार वालों ने कमरे में बंद कर बुरी तरह से मारा पीटा, जिसमें उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता ने मामले में पुलिस को तहरीर देकर पिटाई के बाद जहर देने का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस का दावा है कि युवक ने चूहा मार दवा खाई है। थाना मोहम्मदी के हल्का इंचार्ज रुद्र प्रताप पांडे ने शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है और मामले की कार्रवाई में जुट गई है। और आपके बेटे के साथ क्या हुआ? हमारे बेटे के साथ में रात में जब फोन करो 10 बजे के टाइम, हाँ तब घर से बुलाओ, घर से बुलाओ, रात रात में फिर मारो हो या कुछ करो इन लोगों, हम तो है ना हुआ। हाँ क्या मर कैसे गया? मर गया उन लोगों के घर से। क्या पिलाए उन्हीं घर मर गया? उन्हीं के घर दवाई पिलाई उन लोगों ने, फिर फोन करके हम लोगों जहर पिलाया, हाँ हमको बुलाया और चूहे मार दवा पिलाई। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।